तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग यूथ वाला। क्या मजा आ रहा है, पहाड़ों के बीच, नदी के अंदर, सनलाइट ऊपर से, मजा ही मजा। क्या मजा आ रहा है, यम्मी, वाओ। पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर नहाते हैं तो सातों जन्म उसी तरफ जोड़ी बनी रहती है, अच्छा रहता है। कहीं तीर्थ स्थान पर जाओ तो पति पत्नी दोनों हाथ पकड़कर नहाना चाहिए, भगवान हम लोग की जोड़ी बनाए रखें, सातों जन्म इसी तरह हम लोग प्यार में बने रहें। तो दोस्तों क्या बोलूं, क्या सुकून है। हम आ गए हैं ऋषिकेश से भी आगे, नीलकंठ ऋषिकेश रोड पर रत्ता पानी एक जगह है, वहाँ हमारा रिजॉर्ट है। उससे थोड़ी देर पहले हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने आप की खुशियों को आप सबके सामने रखने का, व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ उतर गया। और मैं यहाँ इसलिए उतरा हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कुछ। जय गंगा मैया, ऋषिकेश आए तो गंगा मैया की जयकारा किए बिना जा नहीं सकते। तो ये देखिए, नीचे हमारी गंगा मैया जा रही है। आप लोगों को ये ग्रीन 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 सब दिख रहा है, वो वही हैं। लोग इसमें राफ्टिंग भी कर रहे हैं। ठंड यहाँ अचानक टेम्परेचर चेंज हुआ है अचानक, और बहुत अच्छी ठंड हो गई है। और गंगा मैया नीचे बह रही हैं, मैं आप लोगों को अभी दिखाऊँगा, अभी जूम करके। तो हमारी जर्नी बहुत ही सही रही, लेकिन ड्यू टू कुंभ 2021 कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा चल रहा है और इस वजह से हेक्टिक हो गया था, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था, और इसी वजह से थोड़ा थकान लगने लगी सबको। बट यहाँ आकर हम बहुत ही खुशनुमा फील कर रहे हैं, सारी थकान दूर हो रही है। तो आइए आपको जूम करके गंगा मैया को दिखाते हैं। तो ये देखिए गंगा मैया का फ्लो देख रहे हैं ना। और ये देखिए मेरे साथ मेरे रिलेटिव भी आए हैं और सब लोग एक चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ हमें, कितना अच्छा एटमॉस्फियर है, इतना अच्छा एटमॉस्फियर है। और लेकिन इसके साथ साथ क्या हुआ है ये देखिए, हम सभी दिल्ली से, बॉम्बे से, देश के अलग अलग कोनों से पार्टी करने आते हैं और इन्जॉय करने आते हैं, और पार्टी करके क्या कर देते हैं ये देखो आप। जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है वहाँ तक कूड़े कूड़े ही कूड़े, मतलब कि अंदर कैमरा शायद उन चीज़ों को नहीं ले पा रहा है, लेकिन ये देख रहे हैं आप। अरे भाई पार्टी करना है, पर्सनल पार्टी करो अपने होटल रिजॉर्ट में, उसको फेंको। ये रोड के किनारे क्या करने की ज़रूरत है, इसको साफ़ कौन करेगा? आप फेंक के चले जा रहे हो, आखिर साफ़ कौन करेगा? सारी गंदगी देखिए, कितनी अच्छी प्यारी नेचर, और इसको क्या कर दिया ये देखिए, इतना अच्छा एटमॉस्फियर और हम इसको बर्बाद कर रहे हैं। तो गाइज प्लीज़ बी अवेयर यार, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा।
तो इस चीज़ को देखकर प्लीज़ हम लोग प्लेज लें कि ग्रीन एटमॉस्फियर, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया। थैंक यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अरे डरो मत आप लोग, मैं अभी हूँ ऋषिकेश के आगे, ऋषिकेश नीलकंठ रोड पे। और ऐसा क्यों दिख रहा हूँ? क्योंकि इसका भी रीज़न है। आप कुछ क्लियर हुआ? हाँ जी। तो हम ऋषिकेश नीलकंठ रोड पे एक कॉटेज ले रखे हैं और वहीं जस्ट सोकर अभी उठे हैं। और देखिए क्या शानदार कॉटेज है, मज़ा आ जाएगा। आप भी सोचोगे कि वाकई आखिर क्या एटमॉस्फेयर है। कल एकदम हम पहुंचे दोपहर में और तब से अब तक कितना रिलैक्स हो गए हैं, एकदम माइंड रिफ्रेश हो गया है। तो सब लोग बाहर चाय पी रहे हैं और मैं थक गया था ड्राइव करके, तो मैं सो गया था। अभी देखते हैं बाहर के नज़ारे, आइए मेरी नज़र से लेट्स गो। तो आइए ये देखिए बाहर के नज़ारे देखते हैं हम। ये हमारा गेट है कॉटेज का और ये कॉटेज खुल गया और हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये देखिए क्या व्यू है, और व्यू की तो बात ही मत करो। यहाँ देखो मेरी पूरी फैमिली यहाँ पर चाय ले रही है, चाय का आनंद। गुड मॉर्निंग पापा जी, गुड मॉर्निंग राहुल जी, गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी अपने नाती के साथ बिजी हैं। और व्यू की बात करें तो आप कहोगे कि वाह क्या व्यू है। आप सोच सकते हो कॉटेज से जस्ट बाहर निकलते ही ये रिवर है, देख रहे हैं। ये देखिए और सामने देखिए एक पहाड़, दूसरा पहाड़, और हमारे बैकग्राउंड में है ये तीसरा पहाड़। और बस इस साइड पहाड़ नहीं है, लेकिन इसका भी इधर से कनेक्शन है, आप देख सकते हो। तो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे हुए 9:30 बजे हम आ गए हैं कॉटेज में और सुबह की चाय का लुत्फ उठाने हम चल रहे हैं। ये देखिए और अमेजिंग अमेजिंग नजारे। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को आगे। और मैंने दातुन कर लिया, यस आपने सही सुना, ब्रश नहीं दातुन करा मैंने। और दातुन कहाँ से मिला? यहीं जस्ट बगल में नदी के किनारे कई सारे पेड़ पौधे हैं जिनसे आप दातुन ले सकते हैं। हमने भी लिया, मज़ा आ गया, मुंह फ्रेश हो गया है और अब भूख लग गई है। सुबह के 9 बज चुके हैं तो हमारे रिजॉर्ट ने हमें ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करा है इंक्लूडेड, तो उस ब्रेकफास्ट को हम करने जा रहे हैं। लेकिन सोचा उससे पहले आप लोगों को कुछ व्यू दिखाते हैं जो हमारे रिजॉर्ट का व्यू है, तो आइए। तो व्यू देखिए, माय गॉड क्या व्यू है। देखिए सामने मेरे पापा साथ में हाई कर रहे हैं, आप लोगों को एंजॉय कर रहे हैं व्यू को। और यहाँ है मेरी सिस्टर, अपने बच्चे को खिला रही है, मेरे मम्मी और मेरा भांजा और मेरे जीजू फोटो ले रहे हैं ब्रेकफास्ट का। ब्रेकफास्ट बाद में दिखाऊंगा आप लोगों को, पापा हाई कर रहे हैं। और आइए ये देखिए व्यू कैसा लग रहा है। कॉटेज देखिए कहाँ है हमारा, हम लोग उस ऊपर से एकदम ऊपर जो लाइन दिख रही है वहाँ से आए हैं पैदल नीचे ट्रैकिंग करते हुए। और यहाँ बैडमिंटन का गेम होगा ब्रेकफास्ट के बाद, खिलाड़ी रेडी हो रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। और उसके बाद ये देखिए पूरा व्यू और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ हमारा रिजॉर्ट। वहाँ देखिए एक और पहाड़, फिर यहाँ से एक और पहाड़, और ये देखिए पहाड़ ही पहाड़। और ये हमारे रिजॉर्ट का किचन उधर, और ये हमारे कमरे हैं, देखिए कितने शानदार। और अब आइए आपको ले चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट टेबल पे। तो मैं किसी से अनुरोध करूंगा, राहुल आप ही प्लेट्स
थोड़ा सा हटा दीजिए ताकि देखें हमको क्या ब्रेकफास्ट है। ये देखिए गर्मा गर्म मैगी, ये देखो यार मैगी, सारी सब्जियां भी मिक्स की हुई है, सादी मैगी नहीं है, वेजिटेबल मैगी है ये प्रॉपर। और आगे नेक्स्ट आइटम ये दही है। वाह यार मजे आ जाएंगे आज। ये दही किस चीज के लिए, ये अगर पूछा जाएगा? आलू पराठे के साथ। आलू पराठे, गरम गरम पराठे। ओ भाई साहब यम्मी पराठे। और जो अंग्रेजी खाने के दीवाने हैं उनके लिए ब्रेड टोस्ट। और ये देखिए जाम, जैम, और ये अचार है। ओ माय गॉड, बटर। और ये हमारी प्लेट्स। और भी कुछ आ रहा है किचन से पक के, ये सब हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। और देखिए कितना शानदार, ये देखिए। ये देखिए एक तितली हमारी प्लेट में आके बैठ गई है। और ये देखिए कैसे खा रही है, आप उसकी सूंड कह सकते हैं या जो भी कह लीजिए। जैम कितने प्यार से खा रही है और हम इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए थाली नहीं छू रहा, इसलिए हम अपने प्लेट को छू नहीं रहे, टच नहीं कर रहे। तो फ्रेंड से देख रहे हैं बैडमिंटन का गेम चल रहा है। ये देखिए छोटे कांडू क्या कर रहे हैं, घास चुभ रहा है ना बेटा। देखो मम्मा, देखो मम्मा। तो फ्रेंड्स ये देख रहे हैं मेरे मम्मा क्या कर रही हैं, मेरे पैर की मालिश कर रही हैं। और ऐसा जानते ही है इंडियन मदर्स छोड़ती नहीं है किसी भी चीज को। अब यहाँ कह रही कि ठंडे ठंडे पानी में उतरने जा रहे हो, नदी में उतरने जा रहे हो, तो ऐसा कर देती हूँ कि तेल की मालिश कर देती हूँ हम। और हम जिस रिजॉर्ट में हैं वहाँ की हॉस्पिटैलिटी तो भाई नंबर वन है, मजा आ गया यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों ने सरसों तेल दे दिया है और हमारा काम चल रहा है। ऊपर से सनलाइट आ रही है एकदम डायरेक्ट, मजा आ गया। पापा की भी मसाज हो चुकी है, वहाँ पर हैं और यहाँ पे हम हैं। ये देखिए मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मम्मी आपका मसाज कौन करेगा? देखिए और ये मेरे भांजे को देखिए, है नंगू, नंगू इज रेडी, बेटू, बाबू। ये नंगू एकदम रेडी है, नंगू के नाना रेडी हैं। ये देखिए मसाज कर रहे हैं, मलवट रहे हैं। नंगू के पापा उधर बैठे हुए हैं, बैडमिंटन खेल के थक गए हैं, रिलैक्स कर रहा है। नदी में उतरने की प्लानिंग चल रही है कि कैसे। तो फ्रेंड्स मेरा भांजा देखिए कितना एक्साइटेड है नहाने के लिए। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद रिवर में आ गए हैं और देखिए कितना ज्यादा एक्साइटेड है, ही इज एंजॉयिंग अ लॉट। और अब हम आगे की कार्यक्रम चालू करते हैं। और देखिए पानी कितना ही शानदार लग रहा है, मेरे जीजा जी एकदम अपने बच्चे को लेकर पानी में उतर चुके हैं और हमारी भी तैयारी चालू हो चुकी है। और किनारे पे थोड़ी सी काई है, फिसलन है, लेकिन इसके बाद ये देखिए ये पानी कितना क्लीन है, पानी कितना क्लीन है। और ये पानी देखिए जाक आ रहा है कितना तेजी से बहते हुए, कहाँ जाएगा? ये जाएगा उन दोनों पहाड़ियों के बीच में और उस पहाड़ी के पीछे है माँ गंगे और वहां से आके उन्हीं में ये संगम हो जाएगा, हेवेल रिवर का पानी। तो फ्रेंड्स ये देखिए पापा इज एंजॉयिंग अ लॉट इन द रिवर अलॉन्ग विथ माय जीजू। कैमरा है मेरा भाई, कैमरा है, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट। और मैं भी अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा हूँ पानी में उतरने से, तो मैं जा रहा हूँ फटाक। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे तभी मजा आएगा। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं नदी के अंदर, मेरे परिवार के दो लोग नदी में कूद चुके हैं और एंजॉय कर रहे हैं, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट।
और दिस इज माई टाइम, बट बैड लक ये है कि मैं नदी में कूदूंगा तो रिकॉर्ड कौन करेगा, तो इसीलिए दिक्कत हो रही है। बट मैं आ चुका हूँ नदी में और ये देखिए बस अब मैं नहाने जा रहा हूँ। आई एम अनेबल टू रेजिस्ट माई सेल्फ टू डाइव इन दिस रिवर। तो आइए कूदते हैं और एंजॉय करते हैं। वहीं खड़े रहे पापा, लेकर आना पड़ेगा ना बुआ को। मैं लेट जा रहा हूँ और फ्लो बहुत तेज है, लेकिन नदी गहरी नहीं है, थोड़ा सा आगे वहाँ गहरापन है तो वहाँ फिसलन ज्यादा, इसलिए हम अभी तक नहीं गए हम, बट विल ट्राई टू गो देयर। लेकिन यहाँ पर मुझे सेफ फील हो रहा है क्योंकि फ्लो इतना तेज है। देखिए मैं हाथ को छोड़ रहा हूँ, हाथ कैसे चला जा रहा है, यहाँ देखिए जूम। अगर मैं यहाँ बैठ नहीं पा रहा था, मैं साथ में वहाँ चला जा रहा था, इसलिए इस पत्थर का टेक लेके मैं बैठा हूँ और इंजॉय कर रहा हूँ। मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसी जगह को खोजिए और आ जाइए। ऋषिकेश के आगे नीलकंठ रोड पे कई सारे रिजॉर्ट्स हैं, किसी भी रिजॉर्ट पे आके आप रुक सकते हैं। मजा आ रहा है और होपफुली आपको भी वीडियो देख के मजा आ रहा होगा। अगर मजा आ रहा है प्लीज लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। फर्स्ट टाइम मैं बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, ऐसे अमेजिंग कंटेंट देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारे मम्मी पापा, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट इन द वाटर। और सच में आज का दिन बहुत ही मजेदार हो रहा है। और ये देखिए कैसे डुबकी मार रहे हैं लोग, पहाड़ों का बर्फ सा ठंडा पानी। कैसा लग रहा है आप लोगों को, मम्मी कुछ बताएंगे कैसा लग रहा है? और वहाँ देखिए मेरे जीजा जी, राहुल जी कैसा फील कर रहे हैं? बहुत ही शांत और बहुत ऐसा लग रहा है ना, यहीं पड़े रहूँगा जैसे मगरमच्छ बन के। हम लोग नहीं जानते थे तो मेरे पिताजी मने सास ससुर ने शिक्षा दिया कि पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ कर नहाते हैं तो सातों जन्म उसी तरफ जोड़ी बनी रहती है, अच्छा रहता है। तो कहीं तीर्थ स्थान पर जाओ तो पति पत्नी दोनों हाथ पकड़ कर नहाना चाहिए, हम लोग की जोड़ी बनाए रखें, सातों जन्म इसी तरह हम लोग प्यार में बने रहें, चाहे चिड़िया हो, चाहे पशु हो, चाहे सर्प हो या कीड़ा हो, कुछ भी, लेकिन साथ साथ ही रह रहे हैं, साथ ही बने रहे हैं, साथ जिएंगे साथ मरेंगे, हम दोनों है रहना, मरने से क्या डरना। और मैं कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब उपलब्धता हो रही है मेरे बेटे के कारण, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों को ऐसा पालिए, ऐसा करिए कि वो जब बड़े होंगे तो आपको इसी तरह से एंजॉय कराएंगे सबको जो है कि, और फिर जो है कि उम्र का कोई मतलब नहीं होता है, आप जब भी रहें आप मस्त रहें बने रहें तो सब कुछ अच्छा होता है जो है कि। हाँ, ये तो मेरे बेटे को धन्यवाद देना पड़ेगा कि जब 10 साल का हुआ, 6 में पढ़ने गया, तब से अपने दोनों बहनों को एक कमरे में लेकर सोता था, पापा मम्मी आप लोग रियली सोइए, बहुत संघर्ष किए। और छोटी बहन को बार बार सुसु करना, भैया डर लग रहा है, तो रात में उठ उठ कर बेचारे नहीं उसको ले जाता था और सुसु करा कर सुलाता था। जब मैंने 10th में गई तो इन्होंने बोला कि आप लोग फ्री हो जाइए, मैं दिल्ली लेकर जा रहा हूँ उन लोग पढ़ाने के लिए, और सारा बोझ इन्होंने ले लिया। अभी तक सबको एंजॉय करवा रहे हैं, इनकी ईश्वर जोड़ी हम ही लोग के जैसे बनी रहे, सलामत रहे, ये लोग भी एंजॉय करें, मेरी उम्र भी इन लोग को मिल जाए थोड़ा। बाबू मेरे कान है, अब मेरा नाती भी हम लोग जैसा बन गया एंजॉय करने वाला, आजा 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 मेरे सुमो, आ जाइए,